गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन स्टनिंग डीवा ऑल अबाउट फैशन ब्यूटी एंड होम। सो गाइज आज है करवा चौथ एंड हिंदी मैंने खुद से लगाई है। ये देखिए कोशिश की है कुछ बनाने की, पता नहीं क्या बना है, बट मेरी बेटी अभी थोड़ी देर के लिए सो गई थी तो मैंने ट्राई किया है ये मेहंदी लगाने की। कल मैं गई थी लगवाने के लिए मार्केट मेहंदी, बट बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे और बच्चे को साथ लेके इतनी भीड़ में थोड़ा रुकना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, तो फिर वहाँ नहीं लगवा पाई मेहंदी। फिर अभी जब मुझे टाइम मिला तो मैंने अभी लगाई है, ट्राई किया कुछ अच्छा सा बनाने के लिए। तो बस अब मैं भी काम में लगने जा रही हूँ फटाफट, और मैंने सोचा क्यों ना कुछ मोमेंट्स मैं कैप्चर करूँ आज और आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि क्या तैयारियाँ मेरे यहाँ होती हैं, कैसे होता है हमारे यहाँ करवा चौथ। सो बस अब मैं जा रही हूँ रात के खाने के लिए प्रिपरेशन करने। अभी बज रहे हैं 1 दोपहर के और बस अभी से इसलिए शुरू करी इतनी जल्दी बिकॉज बच्चा छोटा है, तो एक साथ मैं बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाऊँगी सारा कुछ। अभी से धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी तो सारा काम ख़त्म होते होते शाम हो ही जाएगी। और बहुत कुछ पूजा के लिए बनाना है, पूजा की तैयारी भी करनी है, सब कुछ बहुत सारा काम है। तो चलिए मेरे साथ आप भी चलिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वैसे भी ये वीडियो करवा चौथ के बाद ही लाइव हो पाएगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना। सो कीप वॉचिंग और चलते हैं। सो गाइज यहाँ पर मैंने सबसे पहले सारा मिक्सर का जो भी काम था ग्राइंडिंग का वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। फर्स्टली सारी दाल जो थी दोनों वो मैंने ग्राइंड की, दही बड़े की और फरे की। फिर मैंने पिन्नियों के लिए जो चीनी और चावल को पीसना था वो सब मैंने फाइनली कंप्लीट किया। और वो करके रखने के बाद मैंने एक साथ बनाना स्टार्ट किया। सो गाइज मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ तो हमारे उधर आज के दिन काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं पूजा के लिए, तो बस एक एक करके मैं स्टार्ट करूँगी अब बनाना। और साथ में मेरी बेटी परेशान हो रही थी, उसे मम्मा चाहिए थी, तो मैंने वहीं पे सब काम रोक के पहले मैंने सोचा उसको मैं टाइम देती हूँ और उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, उसके साथ थोड़ा सा मैंने खेला, उसको सुलाया और जब वो सो गई तब मैंने आगे के काम फिनिश किए अपने। तो यहाँ पे उसे और खेलना था बट मैं कोशिश कर रही थी कि वो सो जाए ताकि मेरा भी काम आसानी से जल्दी से मैं कर सकूं और उसको भी थोड़ा सा आराम मिले। सुबह से वो जगी हुई थी, खेल रही थी, तो धीरे धीरे मैंने उसको सुलाने की कोशिश की और वो सो गई। जैसे ही वो सोई तो मैंने फटाफट कुकिंग स्टार्ट की और सबसे पहले मैंने आटा जो लगाना था वो मैंने लगा के रखा। दो जगह आटा लगना था अलग अलग तरीके का, एक सॉफ्ट लगना था, थोड़ा कड़क लगना था। और आटा लगाने के बाद मैंने कढ़ी बननी थी तो मैंने उसके लिए बेसन को फेंट के रख दिया। जितनी देर में और काम होंगे अच्छे से आटा और बेसन दोनों अच्छे से हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं फरे की तैयारी कर रही हूँ। फरे को कई जगह भकोसा भी कहते हैं। आटे की लोई में दाल को भर के इसे बॉईल करते हैं और देन उसको फ्राई करते हैं अच्छे से। तो ये फरे ऑलमोस्ट हो गए मेरे फिलिंग और अब मैं इनको बॉईल करूँगी, गर्म पानी में डाल के बॉईल किया जाता है। और फिर जब ये बॉईल हो जाएंगे उसके बाद मैं इसे ऑयल में अच्छे से मसाले वसाले डाल के फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे फरे का काम निपटाने के बाद दही बड़े की जो दाल मैंने पीसी थी उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया, उड़द दाल है ये। और अब यहाँ पे मैंने वड़े भी डाल दिए तेल में अच्छे से। और वड़े निकलने के बाद मैंने पिन्निया बनाना शुरू की और ये चावल है पिसा और चीनी है, क्रश्ड ड्राई फ्रूट्स हैं। और वो करने के बाद ये मेरे दही वड़े यहाँ पे तैयार हैं। ये मैंने कढ़ी के लिए पकौड़े भी डाल दिए कढ़ाई में और ये निकल गए। और यहाँ मैंने कढ़ी भी छौंक दी है, कढ़ी भी बन जाएगी थोड़ी देर में। और उसके बाद हमारे यहाँ चौक बनानी पड़ती है पूजा करने के लिए, तो मैं यहाँ पे चौक बना रही हूँ। हालाँकि मुझे लेट हो गया है बट फिर भी जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ। और यहाँ मेरी बेटी मेरे पास बैठी है, वो मुझे बुला रही है मम्मा मम्मा, अपनी बातें बता रही है, तो मैं उसको भी उससे भी बातें कर रही हूँ और मैं काम भी कर रही हूँ साथ में। तो इतना करने के बाद मैंने फटाफट पूड़ियाँ बनाई, पूजा के लिए जो पूड़ी बनी थी वो बनाई और हमारे खाने के लिए भी जो पूड़ी बनी थी वो भी मैंने साथ ही में बना के कैसरोल में रख दिया इकट्ठा, बिकॉज बाद में फिर बहुत थकान हो जाती है। और ये मेरी कढ़ी रेडी है यहाँ पे और ये फरे रेडी हैं, बाकी की जो क्लिप थी वो डिलीट हो गई, पूड़ियाँ ये बन रही हैं।
ये सिवाई मैंने बहुत थोड़ी सी बनाई थी, ये पिन्नियाँ कुछ मेरी टूट गई, ये मेरी फाइनल थाली है जो मैंने सारी कुकिंग की थी। इसमें सब्जी है, दही बड़े हैं, राइस है, सब कुछ है जो जो मैंने बनाया था। और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने। फटाफट मैंने मेकअप किया है अपना और कुछ कुछ शूट किया है यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पे प्राइमर लगा रही हूँ नायका का, और नायका की ही मैंने बीबी क्रीम भी यूज़ की है यहाँ पे। ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैंने मेबिलिन का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है। उसके बाद मेरे पास पैलेट्स तो बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, बट वो इस टाइम एट प्रेजेंट मेरे पास नहीं अवेलेबल थे। तो मैंने लिपस्टिक से ही आई शेडो हल्का सा अप्लाई किया, इसको अच्छे से ब्लेंड किया, और फिर उसके बाद आई मेकअप लाइनर वगैरह मैंने ऐसे ही लगा लिया। वीडियो में दिखाया नहीं है बिकॉज फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। और यहाँ मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी का आईब्रो पैलेट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। और यहाँ पीछे मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों लोग खेल रहे हैं। और आईब्रोज़ फिल करने के बाद फटाफट मैंने इनको ग्रूम किया, लिपस्टिक अप्लाई की। इतनी अच्छी लिपस्टिक है ये, देखिए एक बार अप्लाई करने पे ही पूरे बहुत अच्छा सा शेड आ जाता है। ये लिपस्टिक भी आई थिंक शायद स्विस ब्यूटी की ही है। देन मैंने मस्कारा अप्लाई किया, मेबिलिन का है ये भी, एंड काजल भी मैं मेबिलिन का ही यूज़ करती हूँ। और हाईलाइटर था मेरे पास तो हाईलाइटर मैंने यूज़ किया। ब्लशर मेरे पास एक ब्लू हेवन का पड़ा था, पिंक ब्लशर, तो मैंने बहुत लाइट सा आज मन हो रहा था तो मैंने लगा लिया। 10 मिनट में सारा मेकअप मैंने किया और हेयर स्टाइल करके फटाफट मैंने साड़ी प्लीट की अपनी। साड़ी थोड़ी मेरी हैवी थी, बनारसी सिल्क पैटर्न पे थी, तो उसको ड्रेप करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। और बात की वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई, एकदम से मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी तो वो मैंने वीडियो के फॉर्म में डाल दिया है आप लोगों के लिए। और कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत फटाफट मैं तैयार हुई, हल्का सा मैंने बन बनाया था ताकि मैं कंफर्टेबल भी रहूँ और अच्छा लुक भी आए। और ये तैयार होने के बाद फिर पूजा के लिए फटाफट मैं गई। पूजा की जो तैयारी थी वो मैंने किया, यहाँ मेरी बेटी सारा सामान फैला रही थी, प्लेट से उठा उठा के उसने सारा सामान अलग अलग रख दिया था। बहुत मुश्किल से उसको रोका हम लोगों ने। और यहाँ मैंने कथा पढ़ी फटाफट, और अब बस प्यास से इतना ज़्यादा कलर सूख रहा था कि बस मन कर रहा था जल्दी से चांद निकले और मेरा फास्ट कंप्लीट हो। सो गाइस, फाइनली हम लोगों ने खाना पीना खा लिया, पूजा हो गई और मेरी बेटी भी सो गई है, और अब बस हम लोग भी लेटने की तैयारी कर रहे हैं। और फाइनली आज का दिन बहुत ज़्यादा थकान वाला रहा बिकॉज बहुत काम था, बहुत तैयारियां करनी थी, फेस्टिवल था, पूजा थी। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे व्लॉग को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।